जय शनिदेव मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं साक्षात कलयुग के देवता शनिदेव के बारे में, उनकी जीवन गाथा, उनकी कथा क्या है। दोस्तों, शनिदेव ऐसे देवता हैं जिनकी हर कोई भक्त भक्ति करना चाहता है, तो लेकिन शनिदेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उसको माला माल कर देते हैं, और लेकिन जिसके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाती है वह भक्त दोस्तों बच नहीं पाता। साक्षात ऐसे देवता है जिनकी कृपा पाने वाला व्यक्ति 7 ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और जीवन में जैसा चाहता है वैसा प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव भृत्य है, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्रोत में एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली ग्रहों का राजा और सूर्य ग्रह राजा महाबल कहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। एक समय जब सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली और कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखने लग गए थे। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव की आराधना की और घोर तपस्या की, वे अपनी देह को दग्ध कर लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगो युगो से मेरी माँ छाया की प्राजय होती रही है और उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित किया व प्रताड़ित किया गया है, इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान यह कहते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सबसे प्रथम होगा, सबसे प्रथम पूजनीय नवग्रह के अंदर आप होंगे। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश और दंड अधिकारी होंगे, अर्थात कि तुम जो न्याय करोगे वह सर्वमान्य होगा और तुम्हारे द्वारा दिया गया दंड जिससे कोई नहीं बच पाएगा। साधारण मानव तो क्या, देवता असुर सिद्ध विदावर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय है और सौराष्ट्र उनका जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों, शनिदेव की इस मान्यता के अनुसार शनिदेव बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए और उनके द्वारा किया गया न्याय का विधान इस संसार में चलता है। दोस्तों, ज्योतिष में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। अक्सर देखा जाता है कि आम जनता शनि भगवान से बहुत भयभीत रहती है, लेकिन दोस्तों आपको भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए ताकि आपके कार्य आसानी से बने और भगवान शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बने तो आपको शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर जाकर आपको उनको तेल जरूर अर्पित करना चाहिए ताकि भगवान शनिदेव की आपको कृपा मिलती रहे और आपके जीवन में भगवान शनिदेव अगर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में हर सुख प्राप्त होगा और आपको कभी भी कष्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शनिदेव के जन्म की कथा। अगले शनिवार को हम बताएंगे कि भगवान शनिदेव के कौन से चमत्कार हैं और भगवान शनिदेव सूर्य से ज्यादा क्यों पूजे गए, इसके बारे में हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। जय शनिदेव मित्रों।